वेलकम बैक नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर प्लीज़ गो अहेड, अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम हिना खान है एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन। जी हिना मेरे साहबा पास फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी आप एमकेएन के बारे में बोल रहे थे कि उनको उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है और उनके साथ हमेशा से जो है वो बुरा सलूक किया जाता है वट एवर। लेकिन आप देखिए, एक बात देखिए, अभी इमरान खान ने रिसेंटली जो कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वजीर आजम के लिए जो है वो इस्तीफे का मुतालबा उन्होंने किया है, तो सबसे पहले जो है एक जमात खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि हम जो है नवाज शरीफ के साथ। तो इस बात का क्या मतलब है? ये तो एक कौमी इशू है ना, ये आप कोई इमरान खान के साथ थोड़ी मिल रहे कौन हैं, सी जमात खड़ी हो ये गई तो नवाज पूरी शरीफ के दुनिया साथ? में लोग खड़े हो रहे हैं। आपका इशारा हेलो। एमकेएम की तरफ है कि एमकेएम खड़ी हुई है और उन्होंने ये कहा? हाँ जी बिल्कुल, एमकेएम ने सबसे पहले ये कहा है कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं और वो खड़े नहीं होंगे। ये जो एक मुल्क में अब सब जमातें सोच रही हैं इसके खिलाफ और वजीर आजम से मुतालबा कर रही थैंक यू, हैं कि वो बहुत बहुत इन्वेस्टिगेशन शुक्रिया करें। हिना साहबा, आपका मैसेज मुझे मिल गया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज़। अरे मुझे दोबारा आना पड़ा आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आपने आइसलैंड की अभी बात की है। अभी लेटेस्ट न्यूज अभी निकल रही है कि आइसलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर साहब है जी, वो बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वो एंकर थे और 4 मिलियन पाउंड उन्होंने ब्राइब लिया था, और उसने अपनी बीवी के अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में, उसमें जमा किया था। मैं इसकी करेक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि जरा आपको अप टू डेट होना चाहिए। दूसरी बात यह है, डिस्कस ये करें कि इमरान, ये फारूक सत्तार ने कहा है, फारूक सत्तार ने कहा है कि ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जो पैसे डोनेशन ज़कात के ऑफशोर अकाउंट में इमरान खान ने जो इन्वेस्ट किए थे 2007 में, और उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी कह रही है 2015 में वो पैसे जमा हुए हैं, वो पैसे इसको कहां से मैंडेट मिल गया इसका, तो वो एक डोनेशन ज़कात जो एक अमानत होती है अल्लाह की, उसको इस्तेमाल किया जाए। बस ये मेरा पॉइंट है सर, इस पर बात करें ठीक है सर, फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली कॉलर हिना खान है कि उन्होंने कहा है कि एमकेएम सबसे पहली पार्टी है जिसने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मेरी नज़र से तो अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं गुजरा, और अगर है प्लीज़ आप, यू हैव द राइट टू करेक्ट मी एंड इफ़ आई से समथिंग दैट इज़ इनकरेक्ट। बिल्कुल, इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग एंड दिस इज़ द करेक्ट वर्जन। मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी ये मामला इतना फ्रेश और इतना हॉट है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की पॉलिसी बयान सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के स्टांस वक्तन फवक्तन सामने आते रहेंगे और स्टांस क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये बात कही है, मुझे नहीं मालूम कि ये किस पैराहे में कही गई है। हमें जो भी बात मैं यहाँ पे करता हूँ वो तहरीर, तहकीक और दलाइल के पैराहे में करता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे एक और कॉलर हैं उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा फ़ोन करके ज़हमत उठाई और कॉल की। आपने सर जो इमरान खान के ज़कात फितरे और उस के ऊपर जो बात की है, मैं उसको अगर आप कहते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शौकत खाना अस्पताल लाहौर की सालाना ऑडिट रिपोर्ट 2009 और 2010 के मुताबिक अस्पताल में जो मुफ्त इलाज के लिए ज़कात फितरा चंदा जो रकम जमा होती थी उसके लगभग 21 करोड़ रुपए इमरान खान के करीबी साथी इम्तियाज़ एच हैदरी साहब के थ्रू इंटरनेशनल लिमिटेड को भिजवाई गई और एक ऑफशोर कंपनी वहाँ पे खोली गई। अब उनके बकौल ये एंडोमेंट का पैसा था, ये होता ही इसीलिए है, और वो पैसा बहरहाल उनको वापस आ गया। ये अब वो कह रहे हैं, ये वो क्लेम कर रहे हैं। अब ये तो क्या नाम, इसकी ऑडिट होगा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जब बनेगी तब ये फैसला डिसाइड होगा। तो ये आपकी बात सही है, ये रिपोर्ट है और ये मुसद्दका इतला है, और ये जिससे कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा बाहर कैसे गया। मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, हिना साहबा का क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की पार्टी के ख़िलाफ़ काफ़ी बात हुई है, उन्होंने जो फैसले किए हैं, जो उन्होंने ये कंपनीज जो बाहर खुली हैं उनके औलाद में सबने ये बात एक्सेप्ट की है कि है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये चीज़ें प्रूफ होंगी, आया कुछ साबित होगा, ये मेन क्वेश्चन है। और अब ये है कि हम इल्तिजाई कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो सो मोटो एक्शन लें, एक जुडिशल कमीशन
بنا دیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی ان باتوں کی تحقیق کرے. یہاں پہ میں آپ کو آخر میں ایک بتانا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس ریاست میں مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی وہاں کے بے گناہ لوگ بہت بے دردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں. اسی قول کے ساتھ میں آج اس شو کا اختتام کروں گا. میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کو تکلیف پہنچی ہو, تو میں بہت معافی چاہتا ہوں. اگلے ہفتے ایک اور چھپتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.